वाइल के बाद अब चलते हैं डू वाइल लूप के ऊपर। पहले सिंटैक्स, फिर वर्किंग। ये कोड है, मैंने लिखा डू, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहां पर कुछ कोड आया, वाइल, यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन, यहां पर सेमीकोलन, यहां पर बाकी का कोड, राइट। ये सिंटैक्स है, काम कैसे करेगा वो देख लेते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद कंट्रोल डू के अंदर चला जाएगा, ये और ये एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद बुलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा। मान लीजिए ये फॉल्स आया, फिर क्या होगा? तो बिना कुछ किए कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ये और ये एंड फिनिश। यानी कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। एक सिनेरियो और देखते हैं, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, डू के अंदर गया कंट्रोल, ये और ये एग्जीक्यूट किया। ये एग्जीक्यूट करने के बाद बुलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया। मान लीजिए इसका रिजल्ट आया होता ट्रू, अब क्या होता? तो ट्रू आने के बाद कंट्रोल यहां से शिफ्ट हो जाता है, कहां पर? वापस डू के पास। कब? जब ट्रू होगा तो कंट्रोल कहां चला जाएगा? यहां से नीचे नहीं आएगा, फिर यहां से वापस यहीं पे शिफ्ट हो जाता है डू के पास, और फिर से ये और ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर से बुलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा। मान लीजिए फिर से ट्रू आ गया, अब क्या होगा? अब कंट्रोल फिर से यहां से डू पे चला जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, और फिर से कंट्रोल यहीं पर। मान लीजिए फिर से ट्रू आ गया, अब फिर से यहीं पे जाएगा, ये सारा काम करेगा और फिर से आकर के बुलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा। मान लीजिए अब फॉल्स आ गया, फॉल्स आते ही कंट्रोल बाहर ये और ये एग्जीक्यूट करेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखते हैं कि डू वाइल किस तरीके से काम करता है। मैंने यहां पे लिखा डू, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, वाइल, और यहां पर हमारा है बुलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। ये अभी अभी हमने सिंटेक्स देखा था। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है डू वाइल और जो लूप अभी हमने किया था इससे पहले वाइल। यहां पर भी शॉर्ट में लिख रहा हूं बुलियन एक्सप्रेशन। बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है वाइल एंड डू वाइल में? देखिए कुछ डिफरेंस मैं बता देता हूं आपको। इसमें यह है कि पहला डिफरेंस कि डू के अंदर कंट्रोल चला जाएगा बिना यह चेक किए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि यहां पर कंडीशन तो चेक कर ही नहीं रहे, सीधा ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये और ये एग्जीक्यूट, बाद में कंडीशन देखेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। जबकि वाइल के अंदर वो ये एग्जीक्यूट करने के बाद पहले कंडीशन चेक करता है, ट्रू हुई तो जाएगा, नहीं तो यहीं से बाहर चला जाएगा। ये पहला डिफरेंस कि डू एक बार तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, आगे होगा या नहीं होगा वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि वाइल स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक कर लेता है। ऐसा हो सकता है कि एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि वाइल के यहां पर ये देखिए, वाइल में यहां पर सेमीकोलन आता है, डू वाइल के केस में ये सेमीकोलन लिखना होता है, जबकि वाइल में यहां पर कोई सेमीकोलन नहीं आता। ये कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं। तीसरा डिफरेंस कि
जो वाइल की ब्रैकेट है ये ऊपर लग चुकी होती है, इसलिए यहां पर नहीं लगाते। ये भी कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर बिगिनिंग लेवल पे लोग करते हैं। वाइल की ब्रैकेट, इस वाले वाइल की ब्रैकेट नीचे नहीं आती, ऊपर लग चुकी होती है, जबकि वाइल के अंदर यहां पर ब्रैकेट नीचे की तरफ आती है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको पता होने चाहिए और जिनका आपने कोडिंग करते वक्त ध्यान रखना है अगर आप अभी स्टार्टिंग लेवल पर हैं तो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ। मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया int i इक्वल टू 1, यहां पर कुछ कोड लिखा हुआ था और लास्ट में मैंने किया i++। i++ का मतलब पता है, एक का इंक्रीमेंट करेगा। और बुलियन एक्सप्रेशन में मैंने लिख दिया i < 5, और यहां पर ये जो स्टेटमेंट थी मैंने यहां पे लिख दिया SOP गुड। तो इस कोड को देख करके आप मुझे बताएंगे क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, ये गुड प्रिंट करेगा 4 चलिए जो भी आंसर है 4 या 5, मैं आपको बता दूं दोनों आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ये आपको कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों देगा कंपाइलेशन एरर? क्योंकि ये जो आई है हमारा इंट आई, इसका स्कोप बस यहां से यहीं तक रहने वाला है, जबकि हम चेक इसे कहां कर रहे हैं, इस ब्रैकेट से बाहर यहां पर। तो ये आपको कंपाइलेशन एरर देगा कि वेरिएबल आई नॉट फाउंड, क्योंकि इसका स्कोप, आई का स्कोप कहां तक है, बस यहां से यहां तक है, जबकि हम चेक इसे बाहर कर लें। तो व्हाट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हम करते हैं एक कि हमने इस इंट को यहां से हटाया और ऊपर डिक्लेयर कर दिया इंट आई यहां पर। अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा? अब मैंने आई बाहर दे दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर भी अवेलेबल होगा और इस ब्रैकेट से बाहर भी अवेलेबल होगा। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा? अच्छा, अब आया आपका आंसर 4। अच्छा 5, ओके चलो ठीक है, जो भी है 4 या 5, मैं आपको बता दूं ये भी रॉन्ग आंसर है आपके। 4 times या 5 times जो गुड प्रिंट करने की बात आप कर रहे हैं, मतलब 4 और 5, मतलब ऐसा नहीं है 4 और 5 प्रिंट करेगा, 4 times या 5 times गुड प्रिंट करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपका रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक आई वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, यहां पे पहुंचा कंट्रोल, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, उसके बाद ये एग्जीक्यूट गुड प्रिंट हो गया स्क्रीन पे 1 time, उसके बाद i++ यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 तो हट गया अभी यहां से 2 आ गया, 2 < 5 है, यस है, तो कंट्रोल कहां जाएगा वापस यहां पर, यहां पे जाते ही आई फिर से 1, यानी ये जो 2 हुआ था ये फिर से 1 हो गया, फिर से गुड प्रिंट हुआ, फिर क्या होगा i++ यानी i की वैल्यू फिर से 2 हुई, फिर 2 < 5 है, यस है, ट्रू है तो फिर से कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, फिर से i कितना हुआ 1, फिर से गुड प्रिंट हुआ और फिर से i की वैल्यू 2, अगेन 2 इज अगेन < 5, तो यही चलता रहेगा, यानी ये इनफाइनाइट गुड 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 प्रिंट करता रहेगा। क्लियर है, यस और नो? अगर ये क्लियर है तो मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन और करता हूं। मैंने मॉडिफिकेशन में किया i = 1, अब बताइए, और
यहां से ये हटा दिया मैंने एसओपी आई, अब क्या आउटपुट आएगा इसका? कितना आएगा? 4 या 5? चलिए देख लेते हैं। आई इनिशियली क्या है? 1 है। कंट्रोल अंदर गया, ये लाइंस एग्जीक्यूट हुई, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 5 है। फिर से ऊपर गया, लाइन एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 3, अगेन 3 लेस देन 5 है तो कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा, ये और ये एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू हो गई 4, अगेन लेस देन 5 है, कंट्रोल यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5 लेस देन 5 है, यस और नो? यस, तो बाहर आएगा और क्या प्रिंट करेगा ये? 5। सो 5 इज द राइट आंसर।